टोंक में पुराने बस स्टैंड के पास चारा मंडी के यहाँ पर सुलभ कॉम्प्लेक्स निर्माण का आज माली समाज की महिलाओं ने ये कहते हुए विरोध किया कि यहाँ पर वो बरसों से जो है चारा बेचती आ रही है, ऐसी सूरत में वहाँ से उन्हें हटाकर जो है उनके पेट पर नगर परिषद लात मार रही है। ऐसी सूरत के अंदर माली समाज के लोग वहाँ जुटे, उन्होंने कुछ देर के लिए रास्ता जाम भी किया और अपना विरोध जताते हुए यही मांग की कि हमारी जो ये जगह है जहाँ से हमें रोज़गार मिलता है, इस जगह को ख़राब नहीं किया जाए और पहले जहाँ प्रस्तावित सुलभ कॉम्प्लेक्स बना था उसी स्थान पर जो है नगर परिषद सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाए, जिससे न तो जो है हमारा कोई विरोध होगा न ही हमारे पेट पर लात पड़ेगी। अब देखना यह होगा कि नगर परिषद इस विरोध प्रदर्शन के बाद किस तरह से इस विरोध प्रदर्शन को लेती है। क्या मामला है आज यहाँ से परसों से हमारी माली समाज की महिलाएं वीडियो से चारा बेचती आ रही है। सन 1999 में हमने एक हिस्ट्री भी लाए थे, राज्यपाल तक इसके अंदर इंटरेस्टेड था, सबकी कॉपी में कलेक्टर साहब को दे दी है। कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि यहाँ पर चारा मंडी में जब तक कॉम्प्लेक्स का निर्माण नहीं होगा जब तक यहाँ पर चारा मंडी में बैठे वाली महिलाओं के लिए टायरे लगा के व्यवस्था की जाए, ये सख्त आदेश आयुक्त साहब को दिए गए हैं। उसके बावजूद यहाँ पर नगर परिषद द्वारा महिलाओं को हटाकर ताकत से उनको प्रशासन से हटवाकर उनको यहाँ पे कॉम्प्लेक्स निर्माण करवाया जा रहा है, जबकि ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पर अवैध है। कॉम्प्लेक्स का निर्माण मालपुरा गेट के निर्माण शुरू करती थी, लेकिन यहाँ जबरदस्ती राजनीतिक दबाव में बनाया जा रहा है। देखिए पहले भी आपने ज्ञापन दिया है लेकिन आपकी मांग पूरी नहीं होगी। कलेक्टर साहब ने आयुक्त साहब को बुलाकर ये कहा था कि जब तक माली समाज की महिलाओं की बैठने चारा बैठने की व्यवस्था ही न हो तब तक यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स का निर्माण नहीं होगा। नगर परिषद द्वारा बनाया जा रहा है।